तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग हैं। हम सुनिश्चित यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग खेलने वाले हैं रेसलिंग रेवोल्यूशन, और उसमें खेलने वाले हम लोग पीवीवी 12। और हमने काफ़ी सारी राइवलरी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहला जो मैच हम लोग करवाने वाले हैं वो होने वाला है मिड विंटर और ड्रू मैकइंटायर के बीच। हम लोगों ने देखा था पीवीवी 11 से उन लोगों के बीच दुश्मनी चलती आ रही है, तो आज हम लोग उसी दुश्मनी को एक न्यू चैप्टर देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैच करो। ओ मिड विंटर इंजर्ड है। ओ हाँ, मुझे याद है मिड विंटर तो इंजर्ड है गाइस। सो मुझे ड्राइवर 88 को दे दिया है। इसके बस 2 वीक्स बचे और मैं इसको खोना नहीं चाहता। ड्राइवर 88 वर्सेस मिड विंटर का कोई भाई नहीं है। ओके ओके, ड्राइवर 88 और स्पेशल के बीच एक मैच। अबे भाई, तो न्यू ईयर से पहले होने वाला है ये मैच, आई मीन ये वीडियो न्यू ईयर से पहले होने वाली है। ड्राइवर ओके गाइस, ऐसे एक रैंडम मैच है मेरे लिए। गाइस यहाँ पे नो कॉन्टेस्ट हो गया ये मैच। वैसे मैंने ये कर दिया स्टिमुलेट, क्योंकि इन सब मैचेस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक और रैंडम मैच करवा देते हैं, आई थिंक फ्यूड्स में से ही कोई मैच करवा देना चाहिए। नहीं नहीं गाइस, वैसे अंडर कार्ड में वैसे तो एक नॉर्मल रैंडम मैच ही सही होगा, फ्यूड मैच अंडर कार्ड में नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट बना दिया है जहाँ फ्लिक तक बोस्टन ब्लफरी के कपड़ों का मजाक उड़ाने वाले हैं। वैसे ही गाइस, इन लोग के बीच पहले से राइवलरी है, दुश्मनी है, बट स्टिल मैंने कर दिया, डबल दुश्मनी हो जाएगी।
ओके गाइस, इस मैच में फ्लिक थग को एक अपर हैंड मिला। इन लोग की दुश्मनी वैसे ही नॉर्मल दुश्मनी है जो हमेशा से है, तो इन लोग के बीच यह दुश्मनी आगे भी हम लोग मैच करा सकते हैं, जिसके लिए ये बहुत अच्छी बात हुई। अब एक मैच हम लोग करा देते हैं गाइस। अब हम लोग राइवलरी से मैच कराते हैं गाइस, अब मजा आएगा। तो गाइस ये मैच हम लोग करा देते हैं मोनिका एंड वेल आंटी इंटर चैंपियनशिप मैच के लिए। मजा आएगा गाइस, एक राइवलरी मैच हम लोग कराने जा रहे हैं इसमें। अब मैं ये सोच रहा हूँ जिताना किसको चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे वायल आंटी यहाँ पे एक वीक चैंपियन बोलेंगी मोनिका मैरी क्यूज को, एंड इनके बीच भी हमेशा से दुश्मनी रही है। और हम लोग इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं आज के इस पीपीवी में। आपने पिछले जो शोज़ है और पीपीवी 11 उन सबको नहीं देखा तो बस जाके देख लो उन सबको, आपको सारी स्टोरी फ्यूट समझ आ जाएंगी।
फिनिशर यहाँ पे अपना फिनिशर लगा दिया बैक से क्योंकि पीछे से, और यहाँ पे अपना टाइटल रिटेन कर लिया उन्होंने। और गाइस यहाँ पे आउट लो इटन ने कुछ कहा, हालांकि उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह स्टोरी में नहीं है यहाँ पे, तो वापस से मैं उन लोग की जो है पार्टनरशिप एक साथ कर दूँगा। वाला एंटी पता नहीं कैसे फेस हो गई है, तो उनको मैं वापस हील कर दूँगा। ओके, अब चाहते हैं कि उनको कुछ न्यू मूव्स मिले तो दे देता हूँ, ऐसे भी उनको ज़्यादा बार मैंने यूज़ नहीं किया है। देखते हैं गाइस पीपीवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता हुआ। और गाइस मैं बता दूं ये पीपीवी का फर्स्ट पार्ट है, अभी सेकेंड पार्ट में मैं पीपीवी का सेमी मेन और एक सेमी मेन और मेन इवेंट कराऊंगा। और मेन इवेंट में होने वाला है गाइस वैक एक्स वर्सेस आउटलॉ एटन वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए, तो वो मैच पीपीवी 12 के पार्ट 2 में करा दूंगा। हाँ, पीपीवी 1 एक ही वीडियो में हो गई थी, हालांकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होने वाला है। देखते हैं गाइस एक और यहाँ पे रैंडम मैच, और स्पेशल इस बार फिर से लड़ेंगे, और इस बार लड़ेंगे आई थिंक स्टॉर्मर से सही रहेगा। स्टॉर्मर किधर है? इन सब बंदों को मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो स्टॉर्मर को हम यूज़ करते हैं। एक काम करते गाइस एल ऑल कॉमिन से करा देते हैं मैच, यहाँ मज़ा आएगा। एक अनदर रैंडम मैच फिर हम लोग करवाने वाले हैं गाइस, मेजर मर्क और हैकल हॉर्न वर्सेस हमारे टैग टीम चैंपियंस, और उसकी उन लोगों की स्टोरी तो मालूम नहीं मालूम थी गाइस। तो गाइस स्टोरी कुछ ऐसी है यहाँ पे कि हम लोगों ने देखा था सर्जेंट टेसर मेजर मर्क से गुस्सा हो गए, और उसके बाद उन्होंने ट्रिपलेट की टीम ज्वाइन कर ली। बट एक ही हफ्ते बाद उसके हम लोगों ने मंडे नाइट रेवोल्यूशन के सेकेंड एपिसोड में देखा कि कॉलिन जेल यहाँ पे जो है हैकल हॉर्न के ऊपर टर्न हो गए, और हैकल हॉर्न आ गए यहाँ पे मेजर मर्क की टीम में, और अब इन लोगों के बीच जो है टैग टीम चैम्पियनशिप्स के लिए मैच है यहाँ पे। तो लेट्स गो टैग चैम्पियनशिप मैच। और एक काम करता हूँ गाइस, इस मैच में मैं करा देता हूँ कुछ जो भी फर्नीचर पे गिरेगा वो हो जाएगा एलिमिनेट, मज़ा आएगा गाइस। तो पहले मैं ले लेता हूँ सर्जेंट टेसर को, ना मेजर मर को ले लेता हूँ। ओके, और उनके साथ ही हैकल हॉर्न को भी मैं ले ही लेता हूँ फिलहाल। वेयर इज हैकल हॉर्न? सामने गए हमारे टैग चैंपियंस बड्डी बच्चा भी और सर्जेंट एसर होने वाले हैं। पहले मैं इनकी रिलेशन को हटा दूं पहले बड्डी बच्चा नन से।
ओके गाइस, सब कुछ हो चुका है, मैच में चलते हैं गाइस। फर्नीचर हम लोग ला देते हैं, फर्नीचर्स। ओके फर्नीचर 20 वो भी एनी वेयर गाइस। मैं जाने वाला है पहले आर्गुमेंट। ओके गाइस, ये मैच पीवीवी 12 के पार्ट 1 में हम लोग करवाने वाले, उसके बाद पार्ट 2 का वेट करना होगा गाइस, वो भी कुछ ही दिनों में मैं ला दूंगा। हालांकि इसको देखते हैं गाइस। गाइस स्टोरी ने न्यू चैप्टर ले लिया यहाँ पे और नए नए दोस्त बने मेजर मर्ग और हैकल हॉर्न ने। मैच शुरू होते ही यहाँ पे जीत हासिल कर ली। अब पता नहीं सर्जेंट एसर और बड्डी बच्चन क्या करेंगे यहाँ पे उन लोग दोनों का, साथ ही साथ कॉलिंग जिल भी। तो गाइस आज के पार्ट 1 के लिए गाइस पीपीवी 12 का पार्ट 1 हो गया है आधा, और आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग सेमी मेन, 2 सेमी मेन और एक मेन इवेंट कराने वाले हैं, जहाँ पे मिलने वाले हैं वैक एक्स और आउटलॉ 18 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो गाइस कमाल हो गया, श्योर शॉट वर्सेस श्योर शॉट, और भाई शॉकर दे दिया यहाँ पे कॉलिन जिल, बड्डी बच्चन, सर्जन टेसर को। अब पता नहीं वापस से कभी सर्जन टेसर मेजर मर्क एक साथ होंगे कि नहीं, हैगल हॉर्न वापस से ट्रिपलेट के पास जाएंगे कि नहीं, वो तो आगे पता चल जाएगा गाइस। हालांकि अभी हम लोग आधा यहाँ पे कर चुके हैं, आधा यहाँ पे बाकी है, और आधा हम लोग पार्ट 2 में करने वाले गाइस। तब तक के लिए बाय।